हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नेचुरोपैथी कंसल्टेंट में। मैं मोहसिन मुख्तार खाटिक आज आपसे शेयर करूंगा, आज आपके लिए लाया हूँ एक नुस्खा एसिडिटी के लिए। एसिडिटी मतलब क्या? एसिडिटी मतलब शरीर में, ब्लड में और ड्यूरिंग डाइजेशन एसिड का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाना या उसका नॉर्मल कंडीशन से ज़्यादा हो जाना या उसकी मात्रा बढ़ जाना। इसमें होता ये है कि पेट में जलन, छाती के ऊपरी हिस्से में जलन और खट्टे डकारे आती है। अगर ये रोग ज़्यादा बढ़ जाता है तो गला और मुंह में जलन का एहसास होता है। हम जानेंगे कि इसे घरेलू उपचार या नेचुरल मेथड से, नेचुरल तरीके से कैसे ठीक किया जाए। दोस्तों जानते हैं पहला तरीका, जिसमें हमें 7 बीज निकली हुई मुनक्का, जिसे हम मनुक भी कहते हैं, ये लेना है। इसके साथ साथ 2 चम्मच सौंफ, जिसे बड़ी सौंफ या फेनल भी कहते हैं, इन दोनों को हमें 200 ml पानी में भिगो के रखना है रात भर के लिए। 7 बीज निकली हुई मुनक्का और 2 चम्मच सौंफ 200 ml पानी में भिगो के रखना है रात भर के लिए। इसी पानी को सुबह मिक्सर में पीस लेना है और जूस तैयार होने पर इसे फिल्टर करके खाली पेट, न्यारे पेट पी लेना है। ऐसा 7 से 10 दिन तक करने से एसिडिटी का मर्ज खत्म हो जाएगा। दूसरा तरीका और सेकंड मेथड है, जिसमें हमें 100 ml अंगूर का रस और 100 ml अनार का रस, जिसे हम दाड़िम का रस भी कह सकते हैं, इन दोनों रस को हमें अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसे दिन में एक मर्तबा या दिन में एक बार कभी भी 7 से 10 दिनों के लिए पीना है। ऐसा करने से एसिडिटी की जलन और इसका बेसिक प्रॉब्लम खत्म हो जाएगा। इस तरीके की और भी नेचुरल और बेटर होम रेमेडीज जानने के लिए मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। दिए हुए मेथड्स और तरीकों को घर पे इस्तेमाल कीजिए। अगर आपको इसका रिजल्ट मिलता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपका रिप्लाई ज़रूर दीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। थैंक यू।